नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज टोंक दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, देश में प्रधानमंत्री का अभियान था कि घर घर पानी पहुंचे, उस अभियान को कांग्रेस ने धरातल पर उतारने का काम नहीं किया। आज हमारा राजस्थान देश में 28वें पायदान पर है। मुझे बहुत बड़ी चुनौती मिली है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ 2 महीने में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर भी कन्हैयालाल ने कहा, पिछले 5 साल में कांग्रेस ने ईआरसीपी के नाम पर राजनीति की, आज हमारी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, आने वाले 1 महीने में इस योजना को क्रियान्विति पर ला रही हैं। राजस्थान और एमपी के चीफ सेक्रेटरीज की बैठक हुई है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह भी इस पर तेजी से काम कर रही हैं। 13 जिलों में पानी मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ऐलान किया, पश्चिमी राजस्थान में पानी की तकलीफ को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या से निजात के लिए यमुना का पानी लाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना बनी है। राजस्थान में आने वाले समय में कहीं भी पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि में बहुत पीछे है, इसको लेकर अग्रणी बनाने के लिए प्रयास करेंगे। वहाँ पे करने के लिए यमुना का पानी जो जा रहा है उसके ऊपर भी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की एक नई योजना बनी। राजस्थान में आने वाले समय के अंदर जिस तरह से जनता ने विश्वास किया है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे सांसद साहब, सब मिलके कहीं भी पानी की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी की कमी राजस्थान में। हमारा पहला मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, कृषि में हम बहुत पीछे हैं, किस तरह से हमारा राज्य अग्रणी उसमें आया, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। वो रात को मेरे को भी पता नहीं था, मैंने प्रोग्राम दे दिया था। बाकी रात में जिस तरह से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाग्यशाली राजस्थान है कि जो 3 दिन यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, पहली बार किसी राज्य में 2 दिन से जा नहीं, बाकी 3 दिन यहाँ स्टे कर रहे हैं। आज हमारे गृह मंत्री जी, जो आज DG वो सम्मेलन चल रहा है आज है, तो कोई अचानक कोई हमें हो सकता है कोई और डायरेक्शन देना हो तो बुला लिया, तो मैं यहाँ पे भी आप लोगों को समय नहीं देगा। मेरे कार्यकर्ताओं को भी दुख है कि बैठ के मैं इनसे बातें करूँ, सारी मन की बातें करूँ, बाकी समय कम मिल पा रहा है, मैं वापस जाऊँगा। तो कल जैसे भी प्रोग्राम समय मिलेगा, टोडा राइसिंग भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, ये भी जाएंगे। पहला मुख्य काम है कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करना और प्रगति लाना, भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना, जनता का पानी पूछना, ये हमारा उद्देश्य, तो बहुत जल्दी करेंगे। जल जीवन मिशन में इन्होंने घोटाला किया, वो लोग सलाखों के पीछे होंगे 100% होंगे, 100% होंगे। जल जीवन मिशन ही नहीं, जो भी घोटाले, चाहे पेपर लीक, जो भी घोटाले हुए उनके लिए SIT गठन हो चुकी है, और जल जीवन मिशन का तो आने वाले महीने भर में रिजल्ट पता लग जाएगा, कि मैं भी इस चीज़ में काफ़ी समझता हूँ, तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। CBI की एंट्री होगी, CBI का जो उन्होंने पहले राजस्थान में एंट्री बंद कर दी थी, हमारी सरकार आते ही सबसे पहले ये क्या कि CBI जहाँ भी जो भी चोर है, चाहे कोई भी, उनको तुरंत जांच करो, तो रास्ता खोल दिया, तो जहाँ जहाँ भी चोर होगा उनको पकड़ेगी CBI। चलो मालपुरा में सांप्रदायिक तनाव को लेकर सब हो जाएगा ठीक है।